वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोपहर के बज रहे 1:56 और अभी हम निकल पड़े हैं मधुन चौक की तरफ। एक ज़रूरी काम था तो मतलब यार चलो संडे है तो संडे को भाई फंडे बनाते हैं काम करके। तो अभी फटाफट से चल पड़े हैं और अभी देखते हैं कि जाम वाम है या नहीं है, वो सारा रास्ते में देखेंगे चल के। मौसम बहुत खूबसूरत है, मन कर रहा है ये स्वेटर जो है ये उतार दिया जाए। तो अभी कहीं पे कोई रेड लाइट आई ना वहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि बीच में गाड़ी रोक के उतारना मुझे ठीक नहीं लग रहा कि यार टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी फटाफट से बस चल रहे हैं और कहीं ना कहीं तो रेड लाइट आएगी, जहाँ पे वो रेड होगी वहीं पे अपना स्वेटर उतर जाएगा। और मस्त मौसम बहुत खूबसूरत है, धूप निकली हुई है, लेकिन धूप जैसी आ जाती है ना एकदम से तेज, उसी के अकॉर्डिंग हमें एसी चलाना पड़ जाता है। मेरी गाड़ी में एसी चल रहा है और कहाँ हम कहते हैं सर्दी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हम कहते हैं यार थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। और जब गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, मतलब अभी अगर देखा जाए तो 19th of February है आज और गर्मी जो है पूरे चरण पे है। और साथ में इंडिया ने जो मैच था वो मेरे ख्याल से जीत ही लिया होगा, क्योंकि मैं एक घंटे पहले मैंने देखा था तो 95 रन चाहिए थे, रोहित शर्मा और पुजारा खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की हालत बुरी है। जैसी अपनी हालत बुरी होती है जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, याद है अभी तो बुरी नहीं होती खैर, लेकिन हाँ जब राहुल द्रविड़ सौरभ गांगुली लक्ष्मण वगैरह थे तो कई बार ये होता था कि यार 120 पे ऑल आउट, 150 पे ऑल आउट ये हो जाता था। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हमने 111 रन पे समेट दिया, शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि प्रॉपर नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया को इतने रन पे समेट दिया और इतने का ही टारगेट हमें मिल गया था जब हम बैटिंग करने आए, हमारा एक विकेट गिर गया था। और अच्छा लगता है जब हम किसी विदेशी को अपने देश में ला के ठोकते हैं, भाई मैच की बात कर रहा हूँ रियल में नहीं मारने की बात कर रहा हूँ, तो बढ़िया लगता है। इसलिए लग रहा है कि खुला खुला है, मतलब रश वश नहीं दिख रहा रोड पे, जाम वाम नहीं दिख रहा, तो इसका मेन रीज़न संडे है। गाइस अभी क्या हुआ कि काम वाम ख़त्म करके अभी वापस लौट रहा हूँ और एकदम से ये लगा कि यार कुछ अनोखी चीज़ है, कल कुछ अनोखी चीज़ है और उसकी प्लानिंग करते हैं कुछ यार, कोई अच्छा सा गिफ्ट उससे क्या दे सकते हैं यार दक्ष को, क्योंकि दक्ष का ना कल बर्थडे है, 20th February है कल, तो कल दक्ष का बर्थडे है। तो मैं वही सोच रहा हूँ यार, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा क्या दूँ उसको कुछ। अगर मैं पीछे तक का सोचता हूँ ना तो मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आती है यार, उसको शूज़ बहुत पसंद है यार, वो अपने शूज़ के तो बहुत केयर के साथ रखता है, क्लीन करता है, उनको टाइम देता है, तो कोई अच्छे से शूज़ देता हूँ उसको यार, है ना, मुझे तो ऐसा लगता है यार कि शूज़ देते हैं। बाकी देखते हैं, अगर वो नहीं खुश हुआ तो कुछ और देख लेंगे। अभी फ़िलहाल किसी शोरूम पे चलते हैं, शाम के 6:19 हो रहे हैं और अभी चलते हैं किसी शोरूम पे और शोरूम पे चल के लेते हैं भाई बढ़िया से शूज़ और वो उसको देते हैं। फिर तो उस वो ना जब रात में सो जाएगा, गाड़ी में से निकालूंगा भी नहीं, रात में वो सो जाएगा, जब सुबह उठेगा ना मतलब 12 बजे उसको देंगे, फिर देखते हैं क्या यार उसको क्या उसका रिएक्शन रहेगा, वो सारा कुछ देखेंगे। मेरे साथ भी इंसिडेंस हुआ है ये कि मेरा बर्थडे था, ये तो मुझे याद नहीं कि बर्थडे था या क्या था, लेकिन मैं बहुत ज़िद करके रो के सोया था जब मैं छोटा था, तो मेरी बुआ जी ने ना मुझे सैंडल का बहुत ज़िद थी कि सैंडल चाहिए। मेरी बुआ जी ने भाई रात में ला के, मतलब रात में नहीं मतलब शाम को, मेरी बुआ जी ने शाम को ला के और मुझे वो सैंडल पहना दिए। मेरे लिए इतना औसम दिन था ना वो, इतना मज़ेदार दिन था ना, मैं बहुत खुश हुआ। तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और अभी पापा घर पे आए और मेरा आज बर्थडे है तो कुछ सरप्राइज़ भी आया है, मुझे उम्मीद नहीं थी इसकी, पर फिर भी क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। अब आप लोगों को दिखाता हूँ वो है क्या। देखो मेरे को लगा था कि आएंगे तो शायद एक आए और मेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि जॉर्डन आएंगे, अब आ गए तो भाई अलग ही मज़े। लेकिन एक ये रहे और दूसरे ये रहे भाई, ये लिब्रॉन्स वाले हैं और ये वाले आपके डंक्स हैं।
भाई समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्या करूं मैं। अब पहले ट्राई करता हूँ फिर आप लोगों को बताने कौन से बढ़िया लग रहे हैं जो देखो। अब तो अभी मैंने नाइकी के डंक्स ट्राई कर लिए हैं, अब आप लोग देखो और बताओ कैसे लग रहे हैं। कुछ ऐसे लग रहे हैं ये भाई बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अभी आप लोगों को बताना कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक तो ये रहे, दीज आर नाइकी डंक्स, तो हम जल्दी से ट्राई करने वाले हैं। मैंने फिर आप लोगों को गेस करना है ये वाले अच्छे हैं या फिर हमारे डंक्स ये। जैसे कि और आप लोगों को भी पता है कि मैं बास्केटबॉल अच्छा खेलता हूँ और मेरे को काफ़ी पसंद है, तो इसलिए उन्होंने एक मेरे लिए कैजुअल और एक स्पोर्ट्स वेयर दोनों ले आए हैं। वही क्या बताऊँ, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अभी इन्हें ट्राई करते हैं फिर आप लोगों को बताना है कौन से ज़्यादा अच्छे हैं। एयर जॉर्डन, चलो ये भी ट्राई करते हैं। अब मैंने ये वाले वेयर कर लिए हैं, अब आप लोग देखो और बताओ। देखो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आ रहा है इनके साथ में ड्रेस का। बहुत ही मज़े आ गए, अब तो सिर्फ क्या ही बोलूँ यार। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी कि मुझे लग रहा था कि मुझे ये पता था कि कुछ मिलेगा मुझे सुबह, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा मेरे को मेरे बर्थडे पे वॉच मिली थी और रात में 12 बजे मिली थी वो, तो मेरे को लगा कि 12 बज गए कुछ नहीं मिला है, इसका मतलब इस बार कुछ सोचा वगैरह नहीं होगा। पर यू कैन सी, और पापा ने मेरे को बताया कि वो जो शॉपकीपर अंकल हैं उनको पता चला मेरा बर्थडे है, इसलिए उन्होंने नाइकी की 3 पैक वाली सॉक्स फ्री में दे दी। भाई अलग ही मज़े है भाई। अब आप लोग देखो क्या बताऊँ, मेरा बर्थडे कितना स्पेशल हो चुका है, आई डोंट नो, देख ही लो बस, पता नहीं क्या बोलूँ। गाइस क्या हुआ कि कल रात शूज़ लिए और दक्ष को दे दिए मैंने, और पहले एक पेयर ले रहा था लेकिन फिर मुझे लगा यार 2 पेयर लेने चाहिए, साइज़ तो मेरा और दक्ष का सेम ही आता है, तो कई दिनों से वो जो देख रहा था ना वही दोनों पेयर मैंने लिए और उसको दे दिए, बहुत खुश हुआ। आप देखना चाहते हो तो, और मतलब बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं होता एक माँ बाप के लिए, और उसकी खुशी देख के मैं बहुत खुश हुआ। अभी थोड़ा सा मायूस हूँ क्योंकि मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं जैसे कुछ नज़र वज़र लग गई है। एक बहुत ही काम से निकला था अभी और अब वापस जा रहा हूँ ऑफिस, और अब भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या हुआ कि सुबह चाचा जी का फ़ोन आ गया कि भाई यहाँ के कर लो, तो उनके घर जाएंगे और वहाँ पर जाके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे दक्ष का और करेंगे इंजॉय। और यार नज़र लग जाती है तो क्या करना चाहिए थोड़ा सा बताओ ना, क्योंकि यार रियल में देखा है मैंने कि हो जाता है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं काम वाम करने का, कुछ भी करने का, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ड्राइव कर रहा हूँ वो भी बस मायूसी से, और खुशी बस इस चीज़ की है कि मेरे बेटे का बर्थडे है बड़े वाले का, और मज़ा ही मज़ा है। अध्यक्ष ये चीज मत करा, सुन लो अक्ष भैया के भी बड़े भैया और मेरे भी बहुत बड़े हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ। एक ही नहीं, एक ही जुआ था, अरे तो एक और छू लो। अच्छा पैर ही छूता ही। अब बताओ अब क्या करोगे, फोन से क्या करोगे, क्या फोन से क्या करना चाहते थे? मैजिक, मैजिक, मैजिक कैसे करोगे मैजिक? इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा बेटा, क्यों निकल जाए? ओ भाई साहब क्या मैजिक कर दिया आपने यार, मेरे से नहीं होता ये, आपने कहाँ से सीखा? ऐसे मेरे से नहीं होता ये, आप कैसे कर लेते हो ये, मुझे तो सिखाओ। मेरी तरफ देखो, आपकी तरफ ही देख रहा हूँ, मुझसे लेकिन नहीं हो रहा यार। अजीक नहीं,
ये बीच वाली, ये पापा वाली उंगली है ना, ये वाली उंगली ऐसे ऐसे कर दूं इसको, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं? नहीं ऐसे, अच्छा ऐसे करनी है ये, अच्छा नहीं अपनी ऐसे करो हैंड और फिर ऐसे करो और फिर ये रुकती नहीं है नीचे, वो वापस आ जाती है यार ये, आप तो कर देते, मेरी तो देखे नीचे ले जा रहा हूँ, देखना सारी जा रही है, क्या चक्कर है यार? मैं तो छोटा हूँ अभी, अधिक क्या बात है भाई, क्या दोबारा से बताओ, दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ, साजन के घर जाना, अरे वाह, अरे वाह, वो वाला जन्नत वाला सुनाओ, जन्नत वाला नहीं समझ में आया मुझे, एक और बात, कुंडी लगा लो सैया तुम को पात पात की जन्नत दिखाओगे, भाई तुम तो ग्रेट हो भाई, अधिक तुम तो ग्रेट हो यार, कसम से भाई, अरे तो व्लॉग में नहीं आओगे क्या? व्लॉग में आओगे यार, टीवी में आओ, टीवी में, विष्णु विनाशिनी विष्णुते भगवती रेशिति कंदक कुन्नी गुरी कुन्नी गुरी करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कमर्दिनी हेमसुते दुर्वरार्षिणी दुत्तरदर्शिनी शंकरते त्रिभुवरलिपोषिणी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, मजा आ गया भाई, अद्भुत मजा आ गया भाई, जबरदस्त, इनाम मिलेगा, मजा आ गया भाई, दोबारा सुना दो, अद्भुत आपके लिए वो लाइट वाली सॉर्ड लानी है, खेलो तो उससे गिफ्ट मिलेगा आपको, आपने इतनी अच्छी सुनाई है, तो बच्चे बड़े हो गए यार, अब ना खेलो, ओ भाई साहब आप स्कूटर भी चलाते हो, ओ भाई साहब यार ये मेरे पास तो नहीं है अद्भुत, ये मैं चला ही नहीं पाता ऐसे, ओ माई गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, लड़का तो ग्रेट है भाई, कब आता है बर्थडे? पायल मैम का, पायल मैम से क्या आपको शादी करनी है क्या? नहीं। फिर शादी कैसे करोगे? अच्छा पायल मैम से पढ़ते हो, पायल मैम लिपस्टिक कौन सी लगा दी जल्दी बताओ, रेड और येलो और ग्रीन और पिंक और येलो ग्रीन लिपस्टिक लगा रही है, फटी फटी हुई जींस कौन पहनता, कार्टून है, अच्छा मैडम कार्टून है, अरे भाई गया अभी ब्लॉग अगर जाया मैडम ने देख लिया ना, तो मैडम 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 किसी से करते हो मैडम को किसी, तो गाइस क्या सीन है कि दक्ष का केक आ गया है, दक्ष आज 15 साल, 15 साल हो गया है, दक्ष तो दक्ष है यहाँ, आ जाओ भैया यहाँ आ जाओ फटाफट से, Happy birthday to you, happy birthday to Dakshi, happy birthday to you. Thank you.
कट डाल दे बेटा थोड़े से। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। ले स्प्रिंकल डाल दे चाची ने, दे दो इन्हें स्प्रिंकल वाली।